कोरोना बीमारी के चलते रक्तदान शिविर नहीं लगाए जाने की वजह से अस्पतालों में खून की कमी होना शुरू हो गई है, जिस कारण जरूरत पड़ने पर मरीजों को खून नहीं मिल पा रहा है। खून की कमी से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भी जूझ रहा है और पिछले एक महीने से रक्तदाताओं में आ रही कमी के कारण खून का स्टॉक सिमटता जा रहा है। लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा होने के कारण लोग रक्त देने के लिए अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे समस्या गहराती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में अस्पतालों में रक्त उपलब्ध नहीं होगा। ब्लड बैंक में तैनात डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि कोरोना के चलते ब्लड बैंक में रक्त की कमी बनती जा रही है और अगर रक्तदान करने के लिए लोग आगे नहीं आए तो ब्लड बैंक खाली हो जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ब्लड देने के लिए अस्पताल में संपर्क करके एक दिन का कर्फ्यू पास बनाकर कोई भी रक्तदान करने अस्पताल आ सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आजकल कोविड-19 की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हो पा रहे हैं और डोनेशन भी कम हो रही है, इसलिए हर जगह शॉर्टेज आ गई है। हमारे पास भी थोड़ी ब्लड की शॉर्टेज है, मतलब जो हमारे पास स्टॉक है वो 3-4 दिन के लिए चल पड़ेंगे, पर वैसे अब शॉर्टेज आ चुकी है हमारे पास भी। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा डोनर आए हमारे पास। हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो और डोनर और जो 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 ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजर हैं उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2-3 दिन करके डेली डोनर्स भेजें हमारे पास, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, रश भी ना हो एकदम से ब्लड बैंक में और एकदम से शॉर्टेज भी ना आए। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये कि कर्फ्यू और लॉकडाउन भी है, तो कैसे पॉसिबिलिटी होगी, लोग कैसे निकल पाएंगे घरों से? उसके लिए हम प्रमाण की कोशिश कर रहे हैं। हमने सीएमओ मैडम से बात की है कि अगर किसी ने ब्लड डोनेट करना हो तो वो हमें पहले कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम उसके डिटेल लेके, आधार कार्ड लेके, एक पास बना के उसको व्हाट्सएप कर देते हैं, ताकि वो सिर्फ उसी दिन के लिए वैलिड होता है कि वो आए ब्लड डोनेट करे और वापस चला जाए, उसको बीच में कोई दिक्कत ना हो, पुलिस वाले उसको आने दें। तो अगर किसी ने भी ब्लड डोनेट करना हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारे एक्चुअली पर डे नॉर्मली पर डे जो वर्किंग डे होता है 7-8 मिनट लग जाते हैं नॉर्मली पर डे, तो उस हिसाब से मतलब डिपेंडिंग ऑन कई बार ब्लड ग्रुप ज़्यादा इशू होता है, कई बार कोई तो शॉर्टेज आ जाती है। तो आजकल जो जैसे कर्फ्यू लॉकडाउन है तो कितनी रिक्वायरमेंट रह रही है ब्लड की? आजकल रिक्वायरमेंट अब डेली वेरिएशन होती है, जैसे कल के दिन 11 यूनिट इशू हुए थे, परसों 4 इशू हुए थे, पर अप्रोक्सीमेटली 6-7 डेली यूज हो ही जाता था। अभी मतलब हमारे पेशेंट एक्चुअली वही है, गायनी चल रहा है, भी थैलेसीमिया चल रहा है, कैंसर पेशेंट, डायलिसिस, तो कर्फ्यू के दौरान भी सारी चीज़ें सेम ही चल रही हैं, तो डिमांड ऑलमोस्ट सेम ही है, इतनी डिमांड पहले थी, डिमांड अभी सेम ही है। वहीं रक्तदान करने पहुंचे युवकों ने बताया कि कोरोना फैला हुआ है और लोगों को रक्त की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वे रक्तदान करने के लिए अस्पताल आए हुए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी रक्तदान करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोरोना फैला हुआ जिसमें ब्लड की जरूरत है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। मैं भी एक समाज सेवी हूँ और मैंने इसी हिसाब से चलो हॉस्पिटल में आकर ब्लड डोनेट किया है। ये जरूरतमंदों को इसकी जरूरत है, आप भी आगे आए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ब्लड डोनेट करें। रक्तदान करने कोरोना के टाइम चल रहा है, जैसे हमारे को बहुत अच्छा लगा। बता दें कि कोरोना के चलते ना तो रक्तदान शिविरों का आयोजन हो पा रहा है और ना ही रक्तदाता अस्पताल पहुंच पा रहे हैं, जिस कारण परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान रक्तदान करने के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति अस्पताल में संपर्क करने के बाद एक दिन के लिए पास बनाकर रक्तदान कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि प्रतिदिन 8-10 यूनिट रक्त की जरूरत मेडिकल कॉलेज में पड़ती है, लेकिन ब्लड बैंक में रक्त जमा नहीं होने से समस्या बढ़ती जा रही है।